नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के स्टूडियो में आपके जो भी सवाल होते हैं, जो आप वीडियो के नीचे कमेंट में करते हैं, उनका जो है रिप्लाई करेंगे। और आपके भी कोई सवाल होते हैं तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है उसके नीचे आप कमेंट करिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो के जो आपके सवाल होते हैं उनको मैं ज़्यादा पिकअप करता हूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत जो है पुराने सवालों को भी पिकअप करने लगता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी नए नए सवाल जो आते रहते हैं उनको जो है ज़्यादा पिकअप करता हूँ। तो इसलिए जो भी लेटेस्ट वीडियो आता है उसके नीचे आप कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहला कमेंट पढ़ता हूँ जरानी शो के बारे में। वो लिखते हैं कि एक दिन में कितनी बार लेटन जाना सही है। देखिए, अगर मैं आपको मॉडर्न साइंस में जो आपको बताऊं तो वो ये कहते हैं कि दिन में एक बार जो है शौच के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आयुर्वेद ये कहता है कि एक स्वस्थ इंसान को जो है दिन में 2 बार जो है शौच के लिए जाना चाहिए। तो अगर आप दिन में 2 बार शौच के लिए जाते हैं तो आप एक स्वस्थ इंसान की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप दिन में एक बार भी जा रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन अगर एक बार भी नहीं हो रहा है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके कहाँ प्रॉब्लम है, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। तो अगर दिन में आप 2 बार जा रहे हैं तो आप बेसंकोच होकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए कि एक डायरिया होता है कि उसमें भी जो है दिन में 2-3 बार जा रहे हैं, वो उस कैटेगरी में नहीं आता है। एक स्वस्थ इंसान को जो है मल की कंसिस्टेंसी को भी देखा जाता है। मल जो है एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो वो सब जो है देखा जाता है। डायरिया होने पर आप 2 से 3 बार भी जाएंगे तो वो जो है स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला कमेंट किया है डाबी कसार भाई ने। डाबी कसार भाई, पूरा 1 महीना हो गया है फिर भी ब्लड आ रहा, तो क्या खाने में चावल और दूध खा सकता हूँ? देखिए, आपको 1 महीना पूरा हो गया है फिर भी जो है आपको ब्लड आ रहा है, तो 1 महीने पहले आपने ऑपरेशन करवाया था, आप ये कह रहे हैं 1 महीने पहले उन्होंने ऑपरेशन करवाया है फिशर फिस्टूला का, फिर भी ब्लड आ रहा है, तो खाने में चावल और दूध। देखिए, चावल और दूध दोनों ही जो है पचने में भारी होते हैं, और मुझे ये लगता है कि अगर आपको फिशर फिस्टूला की प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं चावल और दूध भी जो है इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, चावल जो होता है कॉन्स्टिपेशन करवाता है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये दूध और जो चावल जो है अभी आप ना पिए तो आपके लिए बेहतर है। ये चावल को तो जो है आप बिल्कुल अवॉइड ही करिए। दूध अगर आप पीना चाहते हैं तो रात को सोते समय जो है आप दूध पी लीजिए, उसमें 1 चम्मच जो है देसी घी डाल दीजिए और वो जो आप सेवन करिए। देसी घी अगर आपको नहीं पसंद तो हल्दी वाला दूध आप पी सकते हैं, वो आपके लिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा। अगला कमेंट किया है सुल्तान सलादीन अयूबी ने। थैंक यू सर, 10 दिन से नॉनवेज और चाय का सेवन ज़्यादा हो गया, अब मल बैठने नहीं आ रहा। कॉन्स्टिपेशन और मल के रास्ते सूजन और ताकत लगाने पर दर्द है। इसका इलाज ज़्यादा पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, चाय नॉनवेज से परहेज करना है। चाय से रात को नींद नहीं आती, नींद में थॉट चलते रहते हैं, ये सच है। आप बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, बैठने पर भी मल नहीं आता, दर्द रहता है, सूजन रहती है, ताकत लगाने पे भी दर्द होता है, तो अभी आप ये बोल रहे हैं कि इसका इलाज जो है ज़्यादा पानी पीना, बॉडी को हाइड्रेट रखना है, या फिर चाय और नॉनवेज से परहेज करना है। देखिए, बॉडी को हाइड्रेट रखना तो होता ही है। मल को अगर किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाएंगे तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो होगी ही, तो ऐसा नहीं है कि बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखना है, बॉडी को हाइड्रेट रखना ही है। साथ ही साथ नॉनवेज को अवॉइड करना है, क्योंकि नॉनवेज जो है पचने में भारी होता है, और आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वैसे ही जो है आपकी आंतें कमज़ोर हैं, आपका पाचन कमज़ोर है, ऊपर से आप जो है अगर ये सब और चीज़ें सेवन करेंगे तो आपको जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कॉन्स्टिपेशन तेज़ हो जाएगा और आपको जो है फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगला कमेंट किया है श्रेया रस्तोगी ने। सर, क्या ये MRI करवाने पर पता चल जाता है? तो ये प्रोक्टाइटिस के बारे में बोल रहे हैं कि प्रोक्टाइटिस में MRI करने से पता चल जाता है। देखिए, प्रोक्टाइटिस क्या है, बेसिकली एक खुजली है, तो खुजली में MRI की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। MRI तब की जाती है जब बाहर से कुछ पता नहीं चल रहा हो और जो बीमारी है वो एकदम बॉडी के एकदम अंदर तक हो, तब जो है MRI की जाती है, तो इसमें MRI की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर से ही जो आपको प्रोक्टाइटिस पता चल जाता है। अगला कमेंट किया है गोपाल पाटिल ने। सर, मेरे गुदा द्वार के जब टॉयलेट को जाता हूँ तो मास टाइप
आता है पर उसमें कोई दर्द नहीं होता, क्या वो सेंटिनल टैग होगा या पाइल्स? प्लीज़ रिप्लाई, एसएससी जीडी भर्ती का मेडिकल टेस्ट है, उसमें प्रॉब्लम होगी क्या? देखिए गोपाल जी, आप बोल रहे हैं कि जब आप टॉयलेट को जाते हैं तो मास्ट टैग बाहर आता है, तो वो जो है रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है आपके। सेंटिनल टैग भी नहीं है, पाइल्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपके रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है कि आपकी जो रेक्टम जो रेक्टम होता है उसकी जो आसपास के मांसपेशियाँ होती है वो कमज़ोर हो गई हैं, और आप जब जोर लगाते हैं तो वो भी जो है बाहर आ जाता है। तो ये जो है प्रॉब्लम तो वैसे तो अभी तो बड़ी नहीं है, लेकिन जब कंप्लीट प्रोलैप्स हो जाता है तो अब ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ जाती है, और आपके लिए जो है इसको ऑपरेशन करवाना ही जो आपके लिए जो है सही रहता है। बात करें मेडिकल टेस्ट की, तो देखिए मेडिकल टेस्ट में प्रॉब्लम तो हो सकती है, पूरा चेकअप अगर करते हैं रेक्टल प्रोलैप्स की प्रॉब्लम आती है तो ये बीमारी ही, ऐसा तो नहीं है कि अभी जो आपको दर्द वगैरह नहीं हो रहा है तो ये बीमारी नहीं है, है ये बीमारी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप जो है सबसे पहले या तो ऐसा करिए कि अभी से जो है थोड़ा जोर लगाना कम करिए, कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करिए, जिससे क्या है कि वो बाहर आना जो आपके बंद हो जाएगा और मल भी जो है आसानी से जो है पास हो जाएगा। अगला कमेंट किया है महेश कुमार ने, इसके बारे में घरेलू उपाय बताइए, बच्चों में जो कांस निकलती हैं उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो ये बोल रहे हैं कि उसके घरेलू उपाय बताइए। उपाय यही है कि बच्चों को जो है आप जो भी जंक फूड वगैरह आते हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं, तो वो उनको ना खिलाएं, कुछ न्यूट्रिशन वगैरह फूड वगैरह दें, जैसे खिचड़ी वगैरह बना सकते हैं आप, कुछ और जो हैं ओट्स वगैरह होते हैं वो आप खिला सकते हैं, ये जो चिप्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह हैं ये उनको नहीं खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगला कमेंट किया है विनोद यादव ने, मैंने ये दवा 2 महीने यूज़ किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी विनोद जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये भी जो टैबलेट है आपके लिए सूटेबल नहीं हो, इसीलिए जो है मैं बहुत सारे टैबलेट का जो है वीडियो बनाता हूँ, रिव्यू करता हूँ, बहुत सारे नुस्खे बनाता हूँ, क्योंकि हर एक दवाई जो है हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती है, हर दवाई के लिए एक अलग जो है एनवायरनमेंट चाहिए, अलग जो है बीमारी का रूट कॉज चाहिए, तो ये बिल्कुल सच हो सकता है कि ये दवाई आपके लिए काम नहीं करें, आप किसी दूसरी दवाई को थोड़ा जो है ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं, आप जो हैं दूसरे किसी घरेलू नुस्खे को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं इनको बिना डॉक्टर के देख रेख के आप नहीं लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हैं दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स, मिलते हैं दोस्तों अगले एक नई वीडियो में आपके कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।